नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज मैं सभी को लेकर के आया हूँ गुजरात में राजकोट ज़िले में, जहाँ पे ये किसान हैं हमारे साथ अतुल भाई सोलंकी, जिन्होंने अंजीर की खेती का शुभारंभ किया है। आइए बात करते हैं। अतुल भाई नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है भाई? मेरा नाम अतुल भाई सोलंकी। और गाँव का नाम? अपना गाँव का नाम बिछिया है। और ये जिला कौन सा लगता है? जिला राजकोट जिला लगता है। तालुका? तालुका जस्तन। आपको ये अंजीर की खेती के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब से। यूट्यूब के माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम। हमारा वीडियो आपने देखा था? आपका वीडियो देखा था। अभी इन्होंने अपनी बात कब से हो रही है सर? एक साल से हो रही है। एक साल के बाद आज इन्होंने स्टार्टिंग किया है। आज हम आपको एक पेड़ चंदन इसका लगा के दिखाते हैं अंजीर का। ये वेराइटी का नाम है डायना अंजीर। देखिए ये है डायना अंजीर, इसको कैसे लगाना है ये हम आपको बताते हैं। आप पूरा खेत देख लीजिए, यहाँ पे करीबन 250 पेड़ जैसा आएगा। इसकी दूरी है 8 फीट बाई 8 फीट। सबसे पहले आप ये फंगस वाली दवाई इसमें डालेंगे, इससे उदाई फंगस बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं आएगा पौधे पर। अच्छा, ये दवाई आप डालेंगे, थोड़ा सा मिट्टी के साथ मिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद अपन को क्या करना है, ये दूसरी दवाई है, ये है टोटल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं हम आपको। अच्छा। आप सौराष्ट्र बाजू कोई भी किसान जुड़ सकता है और कर सकता है इसकी खेती। अगर देखना चाहे तो ये भाई का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, तो देखने आ सकता है। सबसे पहले पॉलीथीन निकाला इसका, फिर इसको पूरा भिगोया दवाई में। इसके बाद इसका राउंडिंग पूरा दवाई में भिगो करके अपन ने सीधा इसको रख दिया। और रखने के बाद ये आपने इसको पैकिंग किया। और बरसात का समय चल रहा है तो उसकी रिंग उल्टी बनानी है, और अगर आपका गर्मियों का समय है तो भी इसका रिंग दूसरे टाइप से बनाया जाए। जब आपको इसको पैक करना हो तो आपको इसको पैरों से अच्छे से दबाना होगा कि आसपास से इसकी जड़ों को ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना लगे। अच्छा, ठीक, इससे इसकी जड़ें अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा। इस प्रकार बड़ी मजबूती के साथ आपको लगाना है एक पौधा। अच्छा। और पौधा लगा करके थोड़ी सी ये दवाई आपको डाल देनी है चारों तरफ। कैसे? रिंग में डाल देना। हाँ, रिंग में। अच्छा। हल्का हल्का दवाई डालना है। अच्छा। ऑर्गेनिक है ये, कभी नुकसान नहीं करती। आप ज़्यादा भी डाल देंगे या कम भी रखेंगे तो कभी पौधे को नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और समय कोई सा भी हो, पौधे लगाने के तुरंत बाद आपको पानी डालना होता है। ठीक। और पानी छोटा पौधा है तो हमेशा छिड़काव से। अच्छा, से इसकी जड़ें जल्दी सेट हो जाए। डायना अंजीर की खेती यहाँ पे स्टार्ट होगी। और अतुल भाई क्या कहना चाहेंगे किसानों को, आप कुछ बताएं? किसानों को यही कहना चाहूँगा कि हम परंपरागत खेती तो करते ही है, कुछ नया करने की सोच मेरे दिमाग में आई और मुझे अंजीर की खेती करने का जोखिम लेना था, तो सो मैंने शुरुआत की है। अगर आगे आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप भी जुड़ सकते हैं। और आप विजिट भी करिए यहाँ पे। देखिए ये फार्म आपका 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, इसमें फल आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी किसान यहाँ पे देखने आना चाहे तो आ सकता है। राजकोट से कितनी दूर पड़ता है आपका? राजकोट से 90 किलोमीटर यहाँ से। 90 किलोमीटर दूर है बिछिया गाँव। शहर है, छोटा सा गाँव नहीं है, छोटा सा शहर है। आइए कभी तालुका विचिया। हाँ, तालुका विचिया तालुका। अच्छा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। नमस्कार सभी।